आज का बजट सभी तथ्यों को ध्यान में रखकर मुख्यमंत्री जी ने पेश किया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने किसानों, पशुपालकों, व्यापारियों, विद्यार्थियों, चिकित्सा, सिविल सोसाइटी, महिलाओं की सुरक्षा और महिलाओं के लिए वर्क फ्रॉम होम, इसके अलावा सबसे अच्छी बात 20,000 महिलाओं को घर बैठे रोजगार दिया जाएगा, इंदिरा गांधी मातृत्व योजना, पालनहार योजना, मुख्यमंत्री जी ने सभी वर्गों को ध्यान में रखकर ये बजट पेश किया है। बजट की घोषणा बहुत ज़्यादा और सभी वर्गों के लिए बहुत अच्छी है, लेकिन यह पूरी तरह धरातल पर साकार जभी होगी जब इन्हें समयबद्ध तरीके से अप्लाई किया जाएगा, ताकि सभी वर्गों को कोरोना काल के बाद राहत मिल सके। नमस्कार, मैं स्नेहलता भारद्वाज, और जैसा कि हमें बहुत उम्मीदें थी और राजस्थान सरकार से, हमारे जननायक सीएम गहलोत जी से, तो वैसा ही हुआ और उससे भी ज़्यादा हमने पाया। आज हमारा जो बजट पारित हुआ उसमें जो हमारे मुख्यमंत्री जी, उनको बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने सभी के बारे में इतना अच्छा सोचा, हर क्षेत्र के बारे में, हर वर्ग के बारे में, हर इंसान के बारे में, हर आम आदमी के बारे में, हर मिडिल क्लास के बारे में, सभी के बारे में, व्यापारियों के बारे में, कर्मचारियों के बारे में, सभी के बारे में इतना अच्छा डिसीजन लिया। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ शिक्षा की, क्योंकि पढ़ेगा भारत तभी तो बढ़ेगा भारत, तो पढ़ेगा भारत के लेकर उन्होंने जो आज डिसीजन लिए वो सचमुच सराहनीय है। बहुत ही शिक्षा के क्षेत्र में 3800 सेकेंडरी स्कूलों को उन्होंने सीनियर सेकेंडरी कर दिया है, 200 नए प्राइमरी स्कूल खुले हैं और 18 जिलों में नर्सिंग कॉलेज खुले जाएंगे और 36 नए महिला कॉलेज खोले जाएंगे प्रत्येक विधानसभा में। मतलब ये बहुत ही अच्छी एक उनकी पहल है कि शिक्षा के क्षेत्र को उन्होंने सबसे ज़्यादा बढ़ावा दिया है। और अगर हम बात करें स्वास्थ्य की, क्योंकि शिक्षा के बाद स्वास्थ्य भी ज़रूरी है और स्वास्थ्य सबसे पहले ज़रूरी है, क्योंकि स्वास्थ्य होगा तो हम सभी काम कर पाएंगे। तो स्वास्थ्य की दृष्टि से भी उन्होंने चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना जो 5 लाख की थी, अब उसे 10 लाख तक कर दिया गया। बहुत ही सराहनीय कदम है जो उठाया गया है। 1000 उप स्वास्थ्य केंद्र खोले जाएंगे सरकारी अस्पतालों में, आउटडोर इंडोर कैशलेस जो इलाज होगा हमारा, निःशुल्क इलाज होगा, उसका कोई चार्ज नहीं लगेगा। तो ये डिसीजन जो है सचमुच ऐसे डिसीजन है जो आम आदमी के काम आने वाले हैं। साथ ही अगर हम बात करें किसानों के बारे में, तो किसानों के बारे में भी हमारे मुख्यमंत्री जी ने बहुत ही अच्छा एक स्टेप उठाया कि 50,000 किसानों को सिंचाई पाइपलाइन के लिए 100 करोड़ का अनुदान दिया जाएगा। बहुत धन्यवाद हमारे सीएम गहलोत जी को, हमारे मुख्यमंत्री जी को। साथ ही चिरंजीवी दुर्घटना बीमा की घोषणा, 5 लाख तक का एक्सीडेंटल कवर भी दिया जाएगा। तो ये सब इतनी योजनाएं हैं। साथ एक बहुत खुशी की बात है हमारे जयपुर के लिए कि जो मेट्रो हमारी चल रही है अभी बड़ी चौपड़ से छोटी चौपड़ तक, और फिर छोटी चौपड़ से चांदपोल और चांदपोल से मानसरोवर, ये जो मेट्रो चल रही है उसको बढ़ा दिया गया, ट्रांसपोर्ट नगर तक कर दिया गया और उधर अजमेर रोड तक कर दिया गया। तो ये बहुत ही एक अच्छा और एक हमारी सिटी को स्मार्ट सिटी बनाने का बहुत अच्छा डिसीजन है। तो ये भी हमारे मुख्यमंत्री के द्वारा लिया गया है। मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने आज का जो बजट पेश किया है वह सभी वर्गों को ध्यान में रखकर किया है, स्पेशली महिलाओं, किसानों और वेतन के लिए जो उन्होंने नया घोषणा की है वो भी बहुत ही काबिले तारीफ है। उन्होंने महिलाओं की शिक्षा के लिए जो कदम उठाए हैं, वो जो उन्होंने 36 नए कॉलेज खोलने की घोषणा की है, उसके लिए मैं बहुत ही आभारी हूँ कि महिलाओं और माताओं और बेटियों को जो उन्होंने ध्यान में रखकर बजट दिया है वो बहुत ही। नमस्कार, मैं रजनी माथुर। आज जो राजस्थान का बजट मुख्यमंत्री जी ने पेश किया है बड़ा संतोषजनक रहा। इसमें शिक्षा के क्षेत्र में भी काफ़ी संतोषजनक रहा, काफ़ी विश्वविद्यालय का निर्माण होगा, काफ़ी कन्या विश्वविद्यालय भी खोले जाएंगे, यहाँ तक कि दिव्यांगों के लिए भी एक विश्वविद्यालय का निर्माण होगा और मेडिकल क्षेत्र में भी काफ़ी अच्छा प्रावधान रखे गए हैं, जिसमें गंभीर बीमारियों के लिए भी अलग सुविधाएं दी जाएगी, उसका भी प्रावधान रखा गया है। काफ़ी मेडिकल कॉलेज राज्य में खोले जाएंगे और सबसे बड़ी बात कि जो सरकारी लोगों को पेंशन की सुविधाएं वापस शुरू हो जाएगी, जिससे एक खुशी की लहर दौड़ गई लोगों में कि भाई पेंशन आते ही घर घर में बच्चे लेडीज सभी।